हेलो एवरीवन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रॉयल्टी अकाउंट का इससे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मिनिमम रेंट एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेजी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंड लॉर्ड अकाउंट्स शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट्स और क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में रेड गिवेन है आपका रॉयल्टी का फिफ्टी पैसे पर टन मिनिमम रेंट है आपका फोर्टी थाउजेंड पर एन आउटपुट गिवेन है फर्स्ट ईयर टेन थाउजेंड सेकेंड ईयर फोर्टी एट थाउजेंड थर्ड ईयर एट्टी थाउजेंड फोर्थ ईयर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिफ्थ ईयर वन लाख ट्वेंटी थाउज़ेंड डेड रेंट अकाउंट बनाना है डेड रेंट मिस होता है मिनिमम रेंट तो जिस तरह से मिनिमम रेंट अकाउंट बनता है उसी तरह से डेड रेंट अकाउंट बनेगा देन रॉयल्टीज़ अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंड लॉर्ड अकाउंट्स तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं टेबल में टोटल फाइव ईयर की इंफॉर्मेशन की मैंने तो ईयर पहले फिल करेंगे फर्स्ट सेकेंड थ्री फोर फाइव सेकेंड कॉलम आउटपुट यहाँ पे आउटपुट शो करना है टेन थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड एट्टी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रेट पॉइंट फाइव गिवन है उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी को कैलकुलेट किया जाएगा रेट कॉलम आप स्किप कर सकते हो रॉयल्टी कैलकुलेट कर लीजिए टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट फाइव फाइव थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड इंटू पॉइंट फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट्टी थाउजेंड इं पॉइंट फाइव फोटी थाउजेंड एंड वन ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फाइव पॉइंट फाइव सिक्सटी थाउजेंड एंड वन ट्वेंटी थाउजेंड इंटू पॉइंट फाइव सिक्सटी थाउजेंड मिनिमम रेंट गिवेन है फोर्टी थाउजेंड पर है ना फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड शॉर्ट वर्किंग कॉलम में आपको पता है वैन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट देन यू हैव टू शो शॉर्ट वर्किंग फाइव थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड शार्ट वर्किंग आ रही उसको शो कर दिया ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आ रही सिक्सटी थाउजेंड उसको शो कर दिया थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दिया नेक्स्ट कॉलम सरप्लस सरप्लस स्टैंड कर रहा है इन फोर्थ ईयर सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एंड इन फिफ्थ ईयर सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट किया जा सकता है उसके लिए राइट right देखना होगा कब तक एडजस्टमेंट का राइट right गिवेन है गिवेन है पावर टू रिकूव शार्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइव ईयर्स ऑफ द लीज यानी फर्स्ट फाइव ईयर तक हम लोग शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं रिकूव कर सकते हैं लेकिन रिकूवमेंट करने के लिए सरप्लस होना मस्ट है तो आपका फोर्थ ईयर में सरप्लस स्टैंड कर रहा ट्वेंटी थाउजेंड और जो टोटल शॉर्ट वर्किंग एराइज हुई थी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ये शॉर्ट वर्किंग एराइस हुई थी फिफ्टी वन थाउजेंड फिफ्टी वन थाउजेंड में फ़ोर्थ ईयर में सरप्लस स्टैंड हुआ ट्वेंटी थाउजेंड इसको ट्वेंटी थाउजेंड आपने एडजस्ट कर लिया फ़िफ्थ ईयर में सरप्लस आ रहा था ट्वेंटी थाउजेंड इसको भी एडजस्ट कर, तो कर लिया गया तो टोटल शॉर्ट वर्किंग एराइस हुई थी फिफ्टी वन थाउजेंड जिसमें से फोटी थाउजेंड शार्ट वर्किंग को रिकूव कर लिया गया और जो इलेवन थाउजेंड शॉर्ट वर्किंग थी जो रिकूप नहीं हो पाई उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया अन शॉर्ट वर्किंग के नाम से इलेवन थाउजेंड पेमेंट टू लैंड लॉड में जैसा पहले डिस्कशन हो चुका है कि इन द केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यू हैव टू पे मिनिमम रेंट एंड इन द केस ऑफ सरप्लस यू हैव टू पे एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग तो फर्स्ट टू ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज हो रही थी देन यू हैव टू पे फोर्टी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड थर्ड ईयर आपकी ना शॉरवर्किंग थी न सर प्लस था मिनिमम रेंट ही पे करना होगा फोर्टी थाउजेंड फोर्थ फिफ्थ ईयर सर प्लस था तो यहाँ पे यू हैव टू पे रॉयल्टी माइनस रिकूब वर्किंग सिक्सटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड माइनस रिकूब शॉर वर्किंग ट्वेंटी थाउजेंड देन यू हैव टू पे फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो ये आपकी टेबल हो गई अब इसके बाद हमें अकाउंट्स बनाने हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है पहला अकाउंट बनाया रॉयल्टी का रॉयल्टी के अकाउंट जब भी हमें बनाना होगा तो रॉयल्टी में जो वैल्यू शो की जाएगी वो सिर्फ रॉयल्टी कॉलम की टेप वैल्यू शो की जाएगी जिस तरह से देखिए फर्स्ट ईयर रॉयल्टी है फाइव थाउजेंड सेकेंड ईयर है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड तो रॉयल्टी टेप अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ रॉयल्टी कॉलम की ही वैल्यू हमें शो करनी है इसको हमें लैंड लॉड को पे करना है तो जब ड्यू होगी तो एंट्री पास होगी टू लैंड लॉड और इसको हमें एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और ट्रांसफर करने की इंट्री पास होती प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट तो पोस्टिंग हो जाएगी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलिए स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट तो रॉयल्टी अकाउंट में एक और पॉइंट ध्यान रखना है यहां पे हमें मिनिमम रेंट मिस डेड रेंट अकाउंट भी बनाना था और जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज होती है उस ईयर जो एंट्री पास होगी वो आपका जब डेड रेंट रिक्वायरमेंट्स में गिवन होगा तो रॉयल्टी अकाउंट ईयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड हम पास नहीं करेंगे हम पास करेंगे पहले एंट्री डेड रेंट अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड लॉड फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ और एक और एंट्री पास करेंगे रॉयल्टी डी आर फाइव थाउजेंड शॉर्ट वर्किंग डी आर थर्टी फाइव थाउजेंड टू डेड रेंट अकाउंट फोर्टी थाउजेंड मीन्स इन इन द केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आपको डेड रेंट से इंट्री पास करनी है थ्रो क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स में गवन था कि हमें डेड रेंट अकाउंट बनाना है तो डेड रेंट अकाउंट की थ्रू इंट्री पास होगी इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज़ हो रही है उस ईयर तो फर्स्ट ईयर पोस्टिंग टू लैंड लॉर्ड कीजिएगा आपकी टू डेड रेंट हो गई फ़ाइव थाउजेंड उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइव थाउजेंड सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग एराइज हो रही थी तो रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू डेड रेंट अकाउंट पोस्टिंग हो गई टू डेड रेंट अकाउंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रोफि लॉज अकाउंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं हो रही थी तो अब एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंड लॉड्स अकाउंट एंड बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट लॉज अकाउंट इसी तरह से फोर्थ ईयर टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट लॉज अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड इन फिफ्थ ईयर टू लैंड लॉड्स अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड आई एम बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड रॉयल्टी अकाउंट के बाद हमें लैंड लॉड अकाउंट बनाना बनाना है तो टू ईर्स शॉर्ट वर्किंग राइज भी थी तो जब अमाउंट पे करना होगा इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग वहाँ पे इंट्री रॉयल्टी अकाउंट डी आर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू लैंड लॉड को हम रिप्लेस करके एंट्री पास करेंगे डेड रेंट अकाउंट डी आर टू लैंड लॉड तो बाई डेड रेंट अकाउंट फोर्टी थाउजेंड देन यू हैव टू पे अमाउंट फोटी थाउजेंड टू लैंड लॉर्ड तो इंट्री पास होगी लैंड लॉड्स अकाउंट डे टू बैंक तो पोस्टिंग हो गई टू बैंक अकाउंट फोर्टी थाउजेंड बैलेंस स्टैंड नहीं करेगा क्योंकि जो भी अमाउंट आपकी ड्यू हो रही है सेम ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो बाय डेट रेंट अकाउंट फोर्टी थाउजेंड टू बैंक फोर्टी थाउजेंड थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं हुई थी तो अब डेट रेंट की इंट्री पास नहीं होगी बाय रॉयल्टी अकाउंट फोर्टी थाउजेंड टू बैंक अकाउंट फोर्टी थाउजेंड फोर्थ ईयर रॉयल्टी थी सिक्सटी थाउजेंड तो बाई रॉयल्टी अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड टू शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट किया गया था तो टू शॉर्ट वर्किंग ट्वेंटी थाउजेंड और बाकी पेमेंट हो गया टू बैंक अकाउंट फोर्टी थाउजेंड इन फिफ्थ ईयर बाई रॉयल्टी अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर भी एडजस्टमेंट हुआ था शॉर्ट वर्किंग का टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड दैन टू बैंक अकाउंट फोर्टी थाउजेंड तो ये आपका लैंड लॉड्स अकाउंट बन गया इसके बाद हमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में फर्स्ट इंट्री थी टू डेड रेंट अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड और कोई फर्दर इंट्री शॉर्ट वर्किंग की नहीं थी बैलेंस कैरिकाउन कर देंगे बाय बैलेंस सी डी थर्टी फाइव थाउजेंड दैन टू बैलेंस बी डी थर्टी फाइव थाउजेंड सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग राइस भी थी सिक्सटीन थाउजेंड दैन टू डेड रेंट अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड बाय बैलेंस कैरिकाउन फिफ्टी वन थाउजेंड सी डी का बाद टू बैलेंस बी डी हो गया फिफ्टी वन थाउजेंड और थर्ड ईयर शॉर्ट वर्किंग ही कॉलम में ना शॉर्ट वर्किंग एराइज हो रही थी ना शॉर्ट वर्किंग रिकूवड हो रही थी ना शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था तो जो टू बैलेंस बी डी था वही बाय बैलेंस सी डी हो जाएगा थर्ड ईयर कोई फर्दर एंट्री पोस्टिंग नहीं होगी फोर्थ ईयर आपकी टू बैलेंस बी डी फिफ्टी वन थाउजेंड और फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्रूव्ड हुई थी ट्वेंटी थाउजेंड बाई लैंड लॉर्ड ट्वेंटी थाउजेंड देन बाय बैलेंस सी डी फिफ्टी वन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी वन थाउजेंड टू बैलेंस बी डी थर्टी वन थाउजेंड देन बाई लैंड लॉर्ड्स ट्वेंटी थाउजेंड बाई इस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये जो आपकी ट्वेंटी थाउजेंड रिक्यूवड भी थी इसको बाई लैंड लॉर्ड अकाउंट के नाम से शो किया गया और जो आपकी अन शॉर्ट वर्किंग थी उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एलेवन थाउजेंड तो ये आपका हो गया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और उसके बाद हमें बनाना है डेट रेंट अकाउंट डेट रेंट अकाउंट में हमें टू ईयर्स की सिर्फ वैल्यू को शो करना होगा क्योंकि डेट रेंट अकाउंट आपका तभी ओपन होता है जब शॉर्ट वर्किंग एराइज़ होती है तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज़ भी थी सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज़ हुई थी तो डेट रेंट अकाउंट में पोस्टिंग सिर्फ फर्स्ट टू ईयर की पास होगी टू लैंड लॉर्ड फोर्टी थाउजेंड बाय रॉयल्टी अकाउंट दो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डे आर टू लैंड लॉर्ड और फिर होती है एंट्री रॉयल्टी डी आर शॉर्ट वर्किंग डी आर टू रेंट अकाउंट यानी क्लासिफिकेशन हो जाता है कि जो हमने फोर्टी थाउजेंड पे किया है इसमें से कितनी वैल्यू रॉयल्टी की है और कितनी वैल्यू शॉर्ट वर्किंग की है तो फर्स्ट ईयर टू लैंड लॉर्ड फोर्टी थाउजेंड बाई रॉयल्टी अकाउंट फाइव थाउजेंड एंड बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई सेकेंड ईयर टू लैंड लॉड फोर्टी थाउजेंड एंड बाई रॉयल्टी अकाउंट सेकेंड ईयर रॉयल्टी थी ट्वेंटी फोर और शॉर्ट वर्किंग थी सिक्सटीन बाई रॉयल्टी अकाउंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सिक्सटीन तो ये आपका डेड रेंट अकाउंट हो गया और कभी क्वेश्चन में अगर मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को है तो डेड रेंट अकाउंट ही आपका मिनिमम रेंट अकाउंट है बस हेडिंग चेंज हो जाएगी मिनिमम रेंट जहां पे आपने डेड रेंट वर्ड यूज़ किया है वहां पे आपको मिनिमम रेंट अकाउंट यूज़ करना होगा तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा Okay, bye. Have a nice day.